हमने बहुत से योगियों के बारे में पढ़ा है जो समय की यात्रा करते हैं एक सेकंड के एक हिस्से में वे भारत से चीन चले गए ऐसा ही कुछ हुआ था लेकिन उन दिनों कोई चीन नहीं जाता था। सिर्फ आजकल लोग चीन जा रहे हैं वे एक सेकंड के एक हिस्से में यात्राएं कर सकते थे क्या ऐसी यात्रा मन या शरीर के साथ होती है या क्या ऐसी यात्रा संभव है यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है समय और स्थान आपके मन के द्वारा पैदा किया हुआ भ्रम है अगर आप उसके पार चले जाएं, तो फिर यहां और वहां नहीं होगा अभी और तब नहीं होगा और अगर आप वैसे हैं और लोग ग्रहण करने के लिए तैयार हैं देखिए फिलहाल मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसमिटर हो ये वाकई अभी हो रहा है मैं यहां बोल रहा हूं ये तारें मुझसे जुड़ी हुई नहीं है देखिए कोई तार नहीं है मैं यहां बोल रहा हूं और ये हर जगह सुनाई दे रहा है हां बिना तारों के क्योंकि ये ट्रांसमिट हो रहा है ट्रांसमिट होने की वजह से जो मैं बोल रहा हूं वो हर जगह सुनाई दे रहा है तो खुद को ट्रांसमिट करने की क्षमता यानी आप कितना ट्रांसमिट कर सकते हैं बस इसी पर निर्भर करता है कि आप कितने नहीं हैं क्या ये शारीरिक है क्या ये मानसिक है क्या ये ये या वो है ये सारे बंटवारे आपके मन ने किए हैं क्या आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपका शरीर कहां है और आपका मन कहां है हम सिर्फ समझने के लिए उस तरीके से बात कर सकते हैं बोध पाने के लिए नहीं अनुभव पाने के लिए नहीं आप अपने मन को या शरीर को या किसी भी अन्य हिस्से को अलग से महसूस नहीं कर सकते है ना अगर आप में मन नहीं होता तो क्या आप शरीर का अनुभव कर पाते हुँ? नहीं तो क्या आप जानते हैं कि अभी आपका मन कहां है क्या आप जानते हैं नहीं तो बस आप हैं क्या आप समझे बाकी हर चीज कल्पना है बस आप काफी हैं बहुत सारी चीजों की कल्पना मत कीजिए बहुत सी चीजों की कल्पना मत कीजिए क्योंकि आप केवल इस पूरे मुद्दे को उलझा रही हैं सुलझाने के बजाय आप मुद्दे को उलझा रही हैं आप इसे जटिल बना रही हैं तो समय स्थान ये सभी चीजें आपके दिमाग में हैं इनका अस्तित्व नहीं है अगर आप बस यहां बैठे और अपने मन के शिकार ना बने तो जो यहां है वो वहां है और जो वहां है वो यहां हैं आप कहीं नहीं गए सब कुछ यही था बात बस यही है